तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोई पढ़ाई वाली बातें नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये पढ़ाई जो आप कर रहे हो उन पढ़ाई का जो मेन पर्पज होता है, जहां से आपकी और आपके फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप एक पढ़ाई बेहतर करके एक बेहतरीन जॉब करोगे और अपने फैमिली को अच्छे पोजीशन में लेकर आओगे, उनका भी हेल्प कर पाओगे। लेकिन क्या हो रहा है इस समय में कि जो पढ़ाई आप कर रहे हो कि एक अच्छी सी जॉब मिलेगी, वो जॉब आ भी रही है तो उसमें क्या हो रहा है, सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके सारे स्टूडेंट, हम लोग भी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि हम लोग भी अभी कंटिन्यू स्टडी करते जा रहे हैं। और जॉब का भी स्थिति, आपके घर में कोई होगा, आप हो सकता है क्लास 10th स्टैंडर्ड में हो, 11th में हो, 12th में हो, या फिर हायर एजुकेशन भी कर रहे होगे, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है जो जॉब्स आ रही हैं, क्योंकि जॉब्स का जो कंप्लीट प्रोसेस है देने का वो बिल्कुल फेयर नहीं हो पा रहा। चीज़ें बिल्कुल आसान होने के बावजूद भी, जो 5G का ज़माना आ चुका है उसके बावजूद भी इतनी उसको बोरिंग और एकदम फ्लॉप लेवल से चलाया जा रहा है, तो बिल्कुल सब लोग परेशान हैं। और इसके लिए बिल्कुल YouTube पे भी और हमारे Twitter पे भी एक ट्रेंड चल रहा है, जिसमें सब लोग क्या कर रहे हैं, केवल और केवल स्टूडेंट और उनके गार्जियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आपको कहानी पूरी पता चल गई होगी कि रोजगार की स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है कि गार्जियन घर से पैसा देते देते थक जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट भी पढ़ाई कर रहा है लेकिन उनकी जॉब नहीं आ पा रही है। अभी पिछले एग्जाम में आपने देखा है, SSC का जो स्टूडेंट था, 200 नंबर का पेपर होता है, उन्होंने 200 में से 200 अंक लाए, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है, आपके फैमिली में भी हो सकती है। पूरी चीजें क्या है आप अच्छे से जान चुके, लेकिन ये जो एग्जाम का प्रोसेस है ये बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है इंडिया का। और SSC का तो सबसे बुरी हालत है कि पता ही नहीं चल रहा किस हिसाब से वे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगा रहे हैं, जिसमें किसी को बहुत ज्यादा अंक मिल जा रहा है, किसी का सिलेक्शन हो जा रहा है, और किसी का अच्छे अंक लाने के बाद भी नहीं हो रहा है। जैसे कि मोदी सरकार के खिलाफ सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं है, ये पूरे इंडिया के स्टूडेंट का एक तरह से ट्रेंड हो गया है कि नहीं, अब उन्हें रोजगार चाहिए और इनपे गवर्नमेंट से उन्हें जवाब चाहिए कि जो गवर्नमेंट बोलती थी वोटिंग लेते समय कि नहीं हमें हर साल 2 करोड़ रोजगार देनी है, तो वो कहाँ से दे पा रही हैं, किस तरीके से दे पा रही हैं, है ना। एग्ज़ाम जो आपके जॉब के हो रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम इंडिया में आ रहा है, स्टेट लेवल पे हो चाहे आपका सेंट्रल लेवल पे हो, 4 से 5 साल पहले तो चलता था कि चलो ठीक ठाक है हो जाएगा, अब तो वो भी समय बीत जा रहा है, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है। कुछ एग्ज़ाम छोड़ के बाकी सबका यही हाल है। और इस एग्ज़ाम में मैं बता दूँ, हम लोग भी खुद पेपर दिए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन जानबूझ के गलत फेंक दिए जाएंगे। एग्जाम आपका 100 क्वेश्चन आया ना, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जबरदस्ती उसमें गलत ठूस दिए जाते हैं कि आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे अपना टाइम वेस्ट करो, और जब टाइम वेस्ट हो जाए तो आप उन क्वेश्चन को कर भी नहीं पाओगे। बाद में बोर्ड बोलेगी कि ऐसा है कि जो क्वेश्चन हम दिए थे, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है तो आप एक एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो, और एक क्वेश्चन पे अगर आप ऑब्जेक्शन करते हो तो 100 रुपया दे देना। इस तरह से आपने 5 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया, 500 तो आप दे दिए, किसी और दोस्त को भी लगता है कि ये गलत है वो भी 500 दे दिया। तो ये जॉब तो निकाल रहे हैं, साथ में गलत क्वेश्चन भी निकाल रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी अपनी इनकम भी आपसे ही निकाल ले रहे हैं। आप देखोगे जितने स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, जितनी सीटें होती हैं, अगर उन सीटों को अगले 20 साल तक भी उन्हीं फॉर्म के पैसे से सैलरी दिया जाएगा तो भी गवर्नमेंट को अपने पास से नहीं देना पड़ेगा। 100 सीटें हैं, लाखों की संख्या में स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, 500-1000 रुपये फॉर्म भरते हैं, केवल यही पैसा इन्हें दे दिया जाए तो भी उनकी सैलरी उसी से निकल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोसेस नहीं करा पा रहे हैं। और रिजल्ट तो इतना लेट आ रहा है तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा मैं एग्जाम दिया था, कब उसका रिजल्ट आएगा, क्या होगा, कुछ पता होता नहीं है स्टूडेंट को। और सबसे जरूरी बात है कि जो हमारे ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी आगे चल के ये चीजें ना फेस करो, इसलिए आपको अभी से डिजिटली होना पड़ेगा। क्योंकि जो टेली, देखो हर लेवल पे सब लोग अपना काम कर रहा है, आपने बहुत सारे चैनल्स को भी देखा होगा, अभिनय मैथ्स होंगे, चाहे खान सर पटना के भी वीडियो आप लोग देखते होंगे, एग्जामपुर के देखते होंगे, राकेश यादव रीडर्स के देखते होंगे, मैथ मस्ती के जो विपिन सर है, और बहुत सारे चैनल है जो ऑलरेडी इस मुहिम को आगे लेकर जा रहे हैं, और सबके ऑडियंस अलग हैं।
सबको बताए, जो स्टूडेंट उनके पास हैं वो हमारे पास नहीं है, और जो स्टूडेंट को हम स्टडी करवा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से डेली 20 से 25 हज़ार जो स्टूडेंट चैनल पे व्यूज ला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट कम से कम हमारे द्वारा इस मैटर को जान तो पाएंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं, हमें क्या करना है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक यूट्यूब का चैनल हो, चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन, सबको इसमें थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग करना चाहिए। और जिसके चाहे 50 सब्सक्राइबर हो, 100 हो, 200 हो, ये मैटर नहीं करता है ना कि आप बहुत बड़े हो गए या फिर हमारा इतने दिन से चल रहा है तो हम फेमस है तो ही हम करेंगे। आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और जो मुहिम है स्टूडेंट की हेल्प के लिए है, तो टीचर्स को क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम ये चाहेंगे कि हम अपने जिस टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं ये आगे चल के तकलीफ ना झेले, क्योंकि तकलीफ झेलेगा तो बोलेगा कि सर जी नहीं कहा था ये काम कर लो, बहुत अच्छी है, नौकरी भी मिलती है, पैसा भी है। लेकिन अगर वो नौकरी ही नहीं मिलेगी तो हमारा तो पढ़ाया हुआ कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। हजारों स्टूडेंट हर बार सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सेलेक्ट होने के बाद से मतलब नहीं है, आपको जॉब में मिलना चाहिए। आप हमारे थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में तो चले जा रहे हो, लेकिन वहां से जब जॉब में ही नहीं पाओगे तो बाद में आपको भी दिक्कत होगी। तो सभी टीचरों से भी मैं अपील करूंगा, सब लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। जो हैशटैग चल रहा है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस हैशटैग को जो कि मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो, ट्विटर पे चल रहा है, जिसके माध्यम से हर एक स्टूडेंट अपनी बातों को कोशिश कर रहा है कि गवर्नमेंट के पास पहुंचे, क्योंकि गवर्नमेंट को हो सकता है या तो मोदी सरकार को हो सकता है इसके बारे में पता ही नहीं, उनके आसपास के जितने भी उनके क्या है टीम हो, उनके बड़े अधिकारी हो, उस मामला को लेकर जाने ही नहीं दे रहे होंगे, पता ही नहीं चल रहा। जब ये पूरे इंडिया में नंबर वन पे ट्रेंड करेगा तो बिल्कुल पूरी दुनिया की नज़र होगी कि आखिर ये इंडिया में चल क्या रहा है, क्यों इतना ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है। तो हो सकता है इससे रिलेटेड आपके रेस्पेक्टिवल प्राइम मिनिस्टर इस पे कुछ अपना स्टेटमेंट लाए कि किस तरीके से जो एग्ज़ाम प्रोसेस है कैसे कराए जाएंगे, है ना। और एग्ज़ाम का जो दिक्कत हो रही है, आप लोग भी एग्ज़ाम देते होगे, मल्टीपल शिफ्ट में हो रही है, जो एग्ज़ाम एक दिन में हो सकता था उसे ये लोग 10 दिन में करवा रहे हैं, दो दो तीन तीन शिफ्ट में करवाने के बाद 10 दिन में आपको 20 से 30 शिफ्ट बनवा दे रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, किसी को पेपर इजी मिल जा रहा है, किसी को गलत मिल जा रहा है, और इसी में ये लोग अपना काम कर ले जा रहे हैं। बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आप देखे ही हो कि 200 में से 200 नंबर लाने के बाद भी कोई सीट या कोई जॉब नहीं मिला। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बता दूं, जो मैंने खुद रियलाइज किया है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बार बार जॉब निकाल रही है। हर बार अगर आपके पास 500 सीट है तो वो क्या करेगी, 100 सीट अभी निकाल दे रही है, 100 सीट फिर निकाल रही है, 100 सीट फिर निकाल रही है। इससे क्या हो रहा है कि हमने तो 500 रुपये लगा के 1000 रुपये फॉर्म भरा, इस बार का मेरा रिजल्ट आया नहीं, अगली बार फिर फॉर्म आएगा, फिर मैं फॉर्म भरूंगा, 500 लगाऊंगा, फिर उसका भी रिजल्ट नहीं आएगा, अगली बार फिर फॉर्म वो दे देगी, मतलब रिजल्ट दे नहीं रही है, जॉब नहीं दे रही, फॉर्म लाकर आपसे अल्टरनेटिव पैसे ले रही है। तो कोशिश ये करना चाहिए, जो जॉब निकाल रही है, अगर मान लो कोई जॉब देनी है और उसका कट ऑफ डिसाइड हो गया कि 180 नंबर पे इसका कट ऑफ होगा, तो क्या वो स्टूडेंट जिसका 179 नंबर है, अगर गवर्नमेंट को और स्टूडेंट की जरूरत हो तो कुछ वेटिंग लिस्ट लगा दे कि अगली बार जब हमें जरूरत होगी तो जिसका 179 है, 175 है या इससे थोड़ा रेंज में स्टूडेंट है, हम इन्हें उठा लेंगे, हमें बार बार एग्जाम लेने की जरूरत ही नहीं होगी। और एग्जाम में देख ही रहे कितना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बच्चों का केवल पैसा जो है फॉर्म भरने में नहीं, पेपर देने में भी जाता है, गार्जियंस उसके पीछे जाते हैं कि चलो मेरे बेटे का पेपर है वो पेपर दिलवा लेंगे। तो इस तरीके से एग्जाम को कोशिश करना चाहिए एक ही शिफ्ट में हो, और वेटिंग लिस्ट का थोड़ा प्रोसेस रहता तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहता, और पेपर सही से सेट होनी चाहिए कि गलत ना हो। आप कैसे पेपर सेट कर रहे हो आपने देखा होगा, और पेपर सेट होने के बाद हम भी अपने ऑनलाइन कोचिंग में अपने रिश्वा अकेडमी ऐप पे डेली क्विज भी करवा रहे हैं, संडे को प्राइज टेस्ट भी ले रहे हैं, उसमें भी हम भी पेपर सेट करवाते हैं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और इनका पेपर होने के 4 महीने 1 साल बाद रिजल्ट आएगा। हमारे यहाँ भी पेपर होता है, हमने भी सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया, तुरंत पेपर दो तुरंत आंसर आ जाता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इतनी बड़ी
इंजीनियरिंग साइंस होने के बावजूद भी एक गवर्नमेंट पेपर को इतनी डिले करवा रही है। चलो 10 दिन 15 दिन एक महीने समय लो, लेकिन बता दो कि एक महीने बाद इसका रिजल्ट इस डेट को आएगा, तो कम से कम स्टूडेंट को पता रहेगा कि जो हम पेपर दिए हैं वो इतने दिन में आ जाएगा रिजल्ट, ताकि उसके अनुसार उसे पता चल जाएगा कि हाँ मेरा जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, तो आगे की तैयारी करेगा। पता चला 2-2 साल उसी में वो लग गया और तैयारी दूसरी कर रहे कि उसकी करे, उसे समझ में ही ना आए। तो सभी चैनल से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, स्टूडेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल इस मुहिम में साथ दीजिए, और ट्विटर पे जाके जो हैशटैग चल रहा है मोदी रोजगार दो, इसको आप रीट्वीट कराइए। हमने खुद इसको ट्वीट कर दिया है और अपनी ऑफिशियल ट्विटर आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूं, उस पर आप क्लिक करा के आपको केवल रीट्वीट करना है। रीट्वीट का मतलब एक ही चीज को जब बार बार किया जाएगा तो वो ट्रेंड होने लगता है कि लोगों में इसके प्रति क्या सोच चल रही है। हो सकता है किसी तरीके से मैसेज जाएगा आपके पीएम के पास, तो वो इस पे एक्शन लेंगे, है ना। तो अच्छे से आप सभी लोग उसको पार्टिसिपेट कीजिए, ऑल द बेस्ट है। कोशिश यही है कि जितने स्टूडेंट हो रहे हैं कम से कम उन्हें अच्छी नॉलेज हो, सारी चीजें उन्हें पता रहने चाहिए। तो ऑल द बेस्ट है, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। अपने गार्जियंस को भी बताइए, आप भी जानिए, और जो अपने टीचर्स जिससे आप पढ़ते हैं उनको भी बताइए, उनसे भी पूछिए कि आप भी इसमें सपोर्ट कीजिए।